गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड एंजॉय द वीडियो। उसके बाद थर्माकोल की शीट मैंने एक ली है, उससे मैंने एक ऐसा पीस काट लिया है जो कि मेरे इस ऊपर वाले रूम के एकदम नाप का है। और अभी मैंने आपको एक चीज़ और नहीं बताई है, ये मेरी एक खिड़की मैंने बना ली है यहाँ पे, बहुत प्यारी लग रही है। जो अब उसके बाद ये जो है ये खिड़की ऐसा ऊपर वाले रूम का बिहेव करेगा। और इसमें मैं ये स्ट्रॉ मैंने ले रखी है, इनको यूज़ करूँगा इनके पीछे लगा के ऐसे, और फिर इसको थर्माकोल की शीट को भी कलर कर लूँगा और फेवी बॉन्ड की मदद से चिपकाऊँगा, क्योंकि ग्लूगन का मैं कम से कम यूज़ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है ग्लूगन सबके पास अवेलेबल नहीं है। तो करके फिर मिलते हैं। टंटना, और ये हम लोग का रेडी हो चुका है अब ऊपर का, इस पर भी पेंट हो चुका है, अब ये सूखेगा थोड़ी देर, तब तक के लिए ये जो ऊपर वाला हमारा हिस्सा है इसकी छत बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो ये हम लोग का थर्माकोल की चीज़ें पूरी रेडी हो चुकी हैं। अब हम लोग ने ये जो छत हम लोग को बनानी थी उसके लिए हम थर्माकोल की शीट ली, एक 12 इंच और एक 8 इंच ली, उसको हम लोग ने कवर कर लिया है रेड फ्लोरेसेंट शीट से। और अब इसको हम लोग ऐसे रख करके यूज़ कर सकते हैं अपनी छत के लिए। और उसमें हम लोग ने थर्माकोल की शीट जो जॉइंट करी थी वो हम लोग ने ग्लू गन की मदद से स्टिक कर दी है। अब ये देखिए, जैसे आपके पास कोई भी दफ्ती हो उसको ऐसे फाड़ लें और उसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें और फिर इसके ऊपर लगा दें। अभी इसके बाद जब कलर होगा तब इसका असली लुक आप लोग को समझ में आएगा, अभी तो उतना अच्छा लुक नहीं आ रहा है। और ये देखिए, ये जैसे स्ट्राइप्स हैं ऐसे कट करके इनके टुकड़े कर दिए जाएंगे, जैसे ये देखिए ऐसे हो रहा है, बहुत ईजिली हो जाता है ये। ये देखिए पूरा एक पीस निकल आया है, एकदम पतला सा है, अभी इसमें शायद एक पीस और निकलेगा, वो भी निकाल लेंगे और फिर उसके बाद यूज़ करेंगे इसको। और इधर मैं कलरिंग करने जा रहा हूँ अपने ट्रायंगल की जो कि ऊपर यूज़ होएगा, और इसमें मैंने बीच में मास्किंग टेप लगाया ताकि वहाँ पे कलर ना हो, क्योंकि वहाँ मैं लिखूँगा राधे राधे, और वही मैं आपको बताऊँगा किस मेथड से, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा वो, आप देखेंगे। तो गाइस अब मैंने फेविकोल से लिख दिया नॉर्मली श्री राधे, और फिर उसके बाद उसके ऊपर गोल्डन डस्ट का पैकेट आता है, आपको ऐसा पैकेट मिलेगा कहीं भी मार्केट में, वहाँ से आप ये ले लीजिएगा और फिर इसको यूज़ करिएगा, एकदम सही रहेगा। और अब इसको वन मैं इसको झाड़ता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो अब ये गोल्डन वर्क का भी काम हो चुका है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, फ़ोन में उतना अच्छा नहीं समझ में आ रहा है पर सामने से और अच्छा लग रहा है, श्री राधे लिखा हुआ है ये। तो अब ये जो ऊपर से शेल्टर के ऊपर ही मैंने दफ्ती के टुकड़े लगाए थे, अब उसको कलर करेंगे और उसका एक टाइम लैप्स बनाएंगे, वो आप एंजॉय करें। इसमें पेंट भी हो चुका है जो ऊपर शेल्टर बना था, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें सिंपली ब्लू और रेड कलर को मिक्स किया है, ब्लू को थोड़ा सा लिया है और रेड को काफ़ी सारा लिया है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब हम लोग का कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, अभी इसको और असेंबल करेंगे और फिर और चीज़ें होंगी। तो ये देखिएगा, ये हमारा नंद महल का अब लुक जो आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है। अब ये मैंने यहाँ पे ऊपर से निकाल दिया है थर्माकोल की शीट को इधर की तरफ थोड़ा बाहर, जिसकी मदद से अब आगे की तरफ मैं पिलर दे सकूंगा, जिससे ऐसा लगेगा कि पिलर के सपोर्ट पे कि छज्जा जैसे होता है घर का वैसे लटका हुआ है। और ये देखिए, ये स्टेयर केस है जो कि ये ऊपर जाने के लिए रास्ते के लिए मैंने बनाया है। अभी यहाँ पे एक वेल बनेगी, वो भी मैं बनाना आपको सिखाऊंगा कैसे बनेगी, और पिलर्स भी अभी जो बन रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे बन रहे हैं। और अब देखिए, ये मेरा फाइनल लुक आ रहा है नंद महल का, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है,
बहुत सुंदर है। और अभी इसको और भी कई सारी इसमें डेकोरेशन से, जैसे अंदर कुकिंग सेट में लाया हूँ वो रखना है मेरे को, बाहर वेल लगानी है, एक मेरे पास गौशाला है वो भी रखनी है। तो वो जिस दिन झांकी लगेगी उस दिन आपको पूरा देखने को मिलेगा वो सब चीज़ें। तो ये है अभी फाइनल लुक है इसका, और पिलर्स लग जाएं तब इसको मैं फिर से दिखाता हूँ। तो ये अब जो पिलर्स बनाने के लिए पीवीसी के पाइप मैंने लिए थे, उनको भी ये एक रेड चमकीली शीट थी मेरे पास, और उसमें ही गोल्डन नीचे करके पूरा इसको कवर कर लिया है, और ये अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसको असेंबली करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी हमारा जो ऊपर का पार्ट था वो भी हो चुका है, और ये जो हम लोग ने पूरा लगाया था शेल्टर जैसा, वो हम लोग का पूरा तैयार है। और नीचे की तरफ हम लोग ने अभी जो रेलिंग लगाई थी उसके नीचे हम लोग ने असेंबल पूरे कर दिया असेंबली इसकी, और हर चीज़ अब कायदे से चिपक चुकी है, और ये अब बहुत ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है। और अभी इसमें लाइटिंग और बची है, तो वो भी तरीका आपको मैं बताऊंगा कैसे लाइटिंग करनी है, वो भी आप लोग देखेगा आगे वीडियो। नंद महल था उसकी जो ऊपर वाला हम लोगों ने पार्ट बनाया था, वो रेलिंग मेरे पापा ने मतलब कि थर्माकोल की शीट को काट करके पूरी बनाई है, जो कि अब काफ़ी अच्छा एक लुक दे रही है। और इधर साइड से एक सीढ़ी लगाई जाएगी, वो भी आपको मैं अभी लगा करके दिखाता हूँ। और ये यहाँ पे मेरे पास पुरानी राखी रखी थी, तो उसको मैंने यूज़ करके यहाँ पे एक सुंदर सा झूमर टाइप का एक वैसा बना दिया है कुछ। और ये नीचे एक झूमर लटकाया है गेट के पास, जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। और आपको अब मैं सीढ़ी लगा करके दिखाता हूँ। तो अब ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए सीढ़ी यहाँ से लग चुकी है, ये ऊपर जाने का रास्ता है, जैसे इधर से गए और फिर उसके बाद ये आपका रूम रेडी है। तो अब कुछ ये कुछ ऐसा लुक दे रहा है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आप लोग को अब इसके नीचे मैं बड़ी एक शीट लगाऊंगा, उसके बाद झांकी जो डेकोरेशन होगी उसमें उस वीडियो में आपको और कई सारे आइडियाज़ मिलेंगे। और अगर कोई अंदर अलग से मैं डेकोरेशन करता हूँ तो वो भी मैं आपको अपडेट ज़रूर कर दूंगा। तो गाइज हम लोग ने ये जब हम लोग का पूरा रेडी हो चुका है, तो हम लोग ने इसमें लाइटिंग के छेद कर लिए हैं, यहाँ पे होल कर लिए हैं। तो इसमें जो हम लोग की नॉर्मल झालरें होती हैं उनको हम लोग यूज़ करेंगे और वो इसमें डाल देंगे, तो इसमें बहुत अच्छी लाइटिंग आएगी। शायद अभी मैं इसकी डाल करके एक पिक खींचूंगा, और वो पिक मैं डाल दूंगा इसलिए क्योंकि वो शायद वीडियो नहीं बन पाएगी, वो काफ़ी अंधेरा रहेगा। तो मैं एक पिक खींच करके आप लोग को डालूंगा, वो आप देखिएगा। और इसी के साथ ये वाला वीडियो हमारा यहाँ पर एंड होता है, इसका एक फाइनल आप लुक ले लीजिए। और ये भी जब आप लोग ये देख सकते हैं, देखिए राखी मेरे पास थी पुरानी, तो मैंने उनसे डेकोरेशन करी है। तो आज तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे जुकाम वगैरह हो गया था, तो आज ये मेरी जितनी भी डेकोरेशन है ये सब मम्मी पापा ने मेरे करी है, ये रेलिंग वगैरह भी सब पापा ने मेरे बनाई है। और आपको और भी डेकोरेशन आइडिया पार्ट 3 में मिलेंगे देखने को, तो उसके लिए भी वेट करिएगा, वो कल आएगा। तो फिर से आपको मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, टिल देन टाटा बाय बाय। तो गाइस ये वीडियो में यहीं तक, इसके बाद मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। उस वीडियो में मेरा इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 3, उसमें बताऊंगा इसमें कैसे घास लगा करके आपको फ्लावर जैसा पूरा लुक बनाना है नंद महल का सुंदर, और कैसे किचन सेट प्लेस करना है। टिल देन राधे राधे, हरे कृष्ण।